वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजा बुआ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस अभी तो सुबह देखो मैं तो आप लोगों के साथ मिलने आ चुकी हूँ और यार गर्मी में रहा नहीं जा रहे है आप लोगों के प्रिया तो एकदम पसीना पसीना होते जा रहे है, एकदम बॉयल होते जा रही हूँ, इतना गर्मी है। और आप लोग अगर अच्छे से देखोगे ना पूरा पसीना पसीना से भर गए और मैं अपने आप को ना संभाल रही हूँ ये हैंकी से, थोड़ी थोड़ी टाइम पे ऐसे पोछ वाछ रही हूँ और क्या करूँ। और ऊपर से आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करना मतलब ये घर पे ना टोटल फैन 6 है, पता है हमारे हॉल में 3 है, किचन में 4 है, 2 रूम में 2 है, सब कुछ बंद करके फिर मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सोचो कितना मेहनत कर रही हूँ मैं तो कुछ नहीं, बस आप लोगों को मतलब दिक्कत हो जाएंगे, फैन चलेंगे ना तो ऐसे नॉइज आते हैं, अच्छा नहीं लगते, मुझे ही अच्छा नहीं लगते, तो इसीलिए मैं बंद कर देती हूँ और क्या करूँ। कभी कभार तो हमारे खिड़की विक्की भी बंद हो जाते हैं, सोचो तो कितना मेहनत करते हैं। और राय जी आज मैं राय जी को बोली कि तुम सुबह रुक जाओ, एक्चुअली सुबह ना मेरा थोड़ा सा मतलब मूड थोड़ा सा अलग था, मैं सोच रही थी राय जी को आज नहीं जाने देंगे, इस टाइप का बोल सकते हो थोड़ा सा रोमांटिक मूड में थे, लेकिन राय जी ने बिगाड़ दिया। राय जी ऑफिस चले क्यों ना जाए, राय जी के सर के ऊपर तो यार एसी है ना, एक रूम में खुद अकेले बैठे रहते हैं और पूरा एकदम ठंडा रूम है, तो बीबी की बकर बकर सुनेंगे, चले गए हैं ऑफिस, नहीं माने मेरी बात को, नहीं माने ठीक है। और इधर तो एक ऐसे है इस रूम में, लेकिन क्या है ना वो कोई काम का नहीं है, वो पुराना है, मेरे मामा जी का था तो वो तो खराब हो गए, उसको ठीक करने से अच्छा है नया वाला ले लेंगे, हम लोग तो चले ही जाएंगे ना तब ले लेंगे अपने घर पे जाके, तो इसीलिए थोड़ा सा ये कष्ट सह रही हूँ मैं और क्या बताऊँ। तो गाइस ये देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये देखो कितना सारा कपड़ा निकाल रही है, एक्चुअली मैंने ये सब साड़ी निकाली हूँ साड़ी के साथ पहनने के लिए, ये यहाँ पे देखो जो ये है, मैं बस मैच करके देख रही थी कि कौन सा वाला मुझे अच्छा लगेंगे, वैसे तो मेरे पास उतना साड़ी वाड़ी है नहीं, तो जितना भी है उसी में काम चलाती हूँ कभी कभार पहन पहन के। एक्चुअली क्या हुआ ना राजी को मैं कुछ दिन पहले एक मतलब थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो गया था मेरी वजह से कि मैंने साड़ी पहनूंगी बोल के नहीं पहनी थी, तो इस पर मेरी राजी का मूड बहुत ख़राब हो गया था, तो मैं सोची चलो आज उनका मूड थोड़ा सा बना देते, वैसे मेरा मूड भी आज बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आज अलग मूड में हूँ, तो इसलिए सोच रही हूँ कि आज राय जी अब घर पे आएंगे तो मुझे देखेंगे कि मैं पसीने से भरपूर एकदम साड़ी में उनके लिए वेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ उनका रिएक्शन देखेंगे ठीक है राय जी का कि क्या करते हैं। वैसे साड़ी पहन के तो और ज़्यादा बॉयल हो जाऊँगी, मेरे लिए कितना दिक्कत की बात है क्या बताऊँ, ठीक है सब कुछ सहना पड़ेगा आज थोड़ा सा उनका रिएक्शन देखने के लिए, उनका उनको खुश करने के लिए। एक्चुअली कभी कभी होता है ना कि हम मतलब हमें पति को खुश करने के लिए कुछ जिम्मेदारी भी रहते हैं ठीक है, तो वही वाला सोच लो, तो राय जी के लिए इतना करेंगे। अभी तो मुझे खाना वाना बनाना है क्योंकि साड़ी पहन के रात को खाना बनाना मतलब बाप रे, मुझे तो और कल से मिल नहीं पाओगे आप लोग अगर मैं करने जाऊंगी तो इसीलिए मैं खाना वाना जो कुछ भी बनाना है वो सब मैं अभी बना के एकदम तैयार करके रखूंगी ताकि रात को कोई भी डिस्टर्ब कुछ ना हो ठीक है, तो इसलिए खाना वाना बना के रखूंगी। और खाने में जो भी बनाऊंगी अभी मैं दोपहर को वो तो दिखाऊंगी। और सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ना आज स्किन केयर करूंगी क्योंकि साड़ी पहनूंगी तो थोड़ा सा अच्छा तो दिखना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं घर की चीज़ों से ही वैसे स्किन केयर करती हूँ, तो जो करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और थोड़ा सा अभी वार्म वाटर पियेंगे, बहुत बात कर लिया, अभी आप लोग ना बोलोगे कि बाप रे इतने गर्मी में तुम गर्म पानी पियोगी, हाँ यार गर्म पानी पियेंगे तो क्यों पियेंगे ये तो आप लोगों को बाद में धीरे धीरे पता चलेगा ठीक है, तो गर्म पानी पियेंगे। और गाइस चलो सबसे पहले टाइगर को निकाल दे थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए, उसको बोल देते हैं आप लोग भी मिल लो टाइगर से, नहीं तो यार बोलोगे प्रिया मुझे डांटोगे टाइगर को आज नहीं दिखाए हो ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग टाइगर को निकालते हैं। तो गाइस ये देखो आखिरकार टाइगर को तो देखो मैं लेके आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारा ये नखरा तो सबको दिखाना चाहिए ना, बाप पे गए हो ये भी तो बताना जरूरी है ठीक है, मेरे ज़रा एक्टिव रहा करो यार टाइगर, सुबह सुबह ऐसे करते हो मतलब तुम्हारे सामने मैं एकदम यमराज आ गई हूँ इस टाइप का हरकत करते हो, चलो खेलने चलो तुम,
तो गाइस ये देखो टाइगर को तो लेके आ चुकी हूँ, लेकिन देखो गुस्से से कान लाल हो गए मेरे टाइगर का। अभी लग रहा है पूरा एकदम मुझे खा जाएंगे। ये देखो देखो ओ देखो यही हरकत है, मतलब टाइगर को मेरे साथ खेलना है, लेकिन यार मुझे तो लग जाते हैं। ये देखो खेलने के मूड में आ गए हैं, इसके साथ मुझे खेलना पड़ता है पता है कभी कभी। ठीक है एकदम खेलने के मूड में है टाइगर। तो गाइज मैं जल्दी से जाके उसका जो खिलौना है रेड वगैरह है सब कुछ लेके आती हूँ। तो ये देखो मैंने इसका खिलौना कितने अच्छे से लटका दिए है। अभी यहाँ पे मेरे टाइगर खेलेंगे, काफ़ी टाइम खेलते हैं ना जाने अभी क्या देख रहे हैं, लेकिन खेलते हैं। ये देखो कितने प्यार से मेरे बच्चे खेल रहे हैं। झुनू टाइगर और झुनू टाइगर खेलो 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 का हो गाइज। ये देखो ये तो अपने पॉटी ट्रे पे गाइज, आज तो यार आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा यार सोने पे तो सुहागा मिल गया आज मुझे। ये वाला सीन तो मैंने कभी भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मैं उस टाइम बिजी रहती हूँ इसलिए नहीं हो पाता है। तो देखो आज पहली बार आप लोगों के सामने मैं टाइगर को ऐसे पॉटी ट्रे पे ट्रे करते हुए, मतलब पॉटी करते हुए दिखा रही हूँ। ठीक है तो बच्चा तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो, सुना ढूनू बच्चा पॉटी कर रहे हैं मेरे ढूनू बच्चा। हाँ तो गाइस ये जो मिट्टी है ना यहाँ पे कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं आते है, बहुत अच्छा मिट्टी है, ये कैट के लिए है स्पेशली। तो ये मिट्टी से ना फ्लावर की खुशबू आते हैं तो अच्छा है ये। तो ये क्या करते हैं पूरा एकदम टाइगर ना पूरे इसको ढक के देते हैं, उसके बाद में ये वाला एक बेलचा है तो उसके मदद से मैं जाके इसको फेंक देती हूँ। ठीक है तो ये घर पे रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत कुछ नहीं होते हैं, बहुत अच्छा मिट्टी है। तो ये देखो मैं टाइगर तो अभी इसको छुपाएंगे, झुनू टाइगर कितना मेहनत करते हैं। तो गाइज ये देखो टाइगर का पॉटी पूरा अच्छे से इसने छुपा दिया है, लग रहा है कि कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है तुम खुद को अभी साफ करो अच्छे से, बाबू किसी किसी लेना है ना मम्मी से, किसी किसी लेना है मम्मी से। ठीक है तो अभी तो साफ करेंगे, मैं पॉटी फेंक देती हूँ। तो गाइज अभी तो मैं देखो सीधा आ चुकी हूँ किचन पे और खाना बनाने की तैयारी तो शुरू। तो आज मैं एजी के लिए बना रही हूँ कातला फिश। तो ये वाला फिश तो मैं दिखाई थी फ्रिज पे था, अभी तो पूरा एकदम देखो बड़ा बन के बैठे हुए है, कब पिघलेंगे तब जाके बना पाऊँगी। ठीक है तो देखो मैं तो यहाँ पर सब कुछ काट कूट के रेडी करके रखे, प्याज लहसुन अदरक टमाटर यहाँ पर आलू। आज तो मैं ये देखो गैस पर खाना बनाऊँगी, और ये जो इंडक्शन है ना यहाँ पर मैं पानी वगैरह सब गरम करती हूँ, टाइगर का खाना भी गरम करती हूँ, तो नहीं तो यार ये ख़राब हो जाएंगे इसलिए थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है तो स्पेशली गाइस ये जो टमाटर देख रहे हो ना इसी से ही आज मैं करने जा रही हूँ अपना स्किन केयर। ठीक है तो इसके साथ और एक चीज़ मिलाना है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो चीनी। ठीक है तो गाइस अभी तो मैं वार्म वाटर पी रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगते गर्मी में गर्म पानी। ठीक है चलो जो भी हो। तो गाइज अभी तो मैं स्किन केयर करूंगी अपना। ठीक है तो मैं तो दिखाया आप लोगों को, ये देखो सिंपल सा तो मैंने चीनी लिए है और बस एक स्लाइस टमाटर। ठीक है ये वाला टमाटर को ऐसे देखो चीनी के साथ लगा लिया, अभी कुछ नहीं करना बस इसको लगाते जाएंगे। मैं तो ये ला ही नहीं हूँ मिरर, ठीक है कोई बात नहीं है चलो। बस इसका रस और ये जो चीनी है ना इसी से स्किन पूरे एकदम साफ हो जाते हैं, स्क्रब हो जाते हैं। हे गाइस तो मैं तो अभी तैयार हो रही हूँ गर्मी में ही पसीना पसीना होके तैयार हो रही हूँ, क्या करूँ यार। तो मैं ना गाइस अभी तैयार हो रही हूँ और सोच रही हूँ
साड़ी तो पहनूंगी लेकिन यार मैं ना साड़ी में थोड़ा और ज़्यादा मोटी दिखती हूँ। अभी क्या कर सकते हैं, मोटी हो तो पहनना है, राइज को दिखाना है, तो मोटी लगूँ या जो लगूँ थोड़ा सा टाइम के लिए पहन लूँगी और क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो राइज का बस आने का टाइम हो रहा है, उनके आने से पहले ही मैं एकदम अच्छे से तैयार होके एकदम रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, तो मैं रेडी हो जाऊँ उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। ठीक है, हे गाइस, ये देखो तो मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो मैंने ये ब्लैक वाला साड़ी ही पसंद किया है क्योंकि मुझे तो ब्लैक पहनना बहुत पसंद है, तो ये वाला है। ठीक है, ये रेड वाला थोड़ा सा डिजाइन है इसके साथ। और गाइस, आप लोग मेरे इस मोटापा को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। ठीक है, तो जब मैं दुबली हो जाऊंगी तब सुंदर दिखूंगी, अभी के लिए बस इतना ही। और मैं तो बाल तो खोल के रखूंगी क्योंकि राय जी को बाल खुले बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए। तो जो लोग मुझे बाल बांधते हुए देखना चाहते थे तो आज का लुक कुछ इस तरह से है। मैं मतलब आप लोगों के लिए ही नहीं खोली हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, तो अभी बस खोल लेती हूँ। और मैंने तो कंघी वंघी कुछ नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा बिखरा बिखरा बाल है, तो मेरे आई जी का ऐसे ही बाल बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, तो मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं तो अभी बस बैल्कनी पे जा रही हूँ, उनके लिए वेट कर रही हूँ। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देना कि मैं आज कैसी दिख रही हूँ। ठीक है, तो चलो आशी आशी यही लोकटा शुद्ध बेलवा जाए टुकड़े আসছি তো শাড়িতে ভেবলা ঘরে আসো আগে একই গাইজ দেখো রাইজি কা হালাত দেখো কি ব্যাপার তোমার কি হেভি লাগছে তো হঠাৎ শাড়িতে হেভি কেন লাগবে না क्या देख रहे हो की स्वप्न देखी नहीं सच में तुम्हें बाड़ी हम लोग के घर है। हाँ तुम इधर आओ पहले थैंक यू थैंक यू की कोई बात नहीं लड़ाई झगड़ा के बाद तुमने जो है आज मेरा सपना पूरा किया है। सरप्राइज दिया तुमको साड़ी पहन के। मैं नहीं, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा मैं हिल गया। जगह दिखाते हैं पहले। मैंने दिखाया दिखाई हो। हाँ, तो क्या हुआ आज मेरे लिए साड़ी पहने, तो मैं भी मतलब दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो गाइस ये देखो प्रिया आज जो है फुल साड़ी में देखो। हाँ उस दिन तो क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ है? नीचे का वो ठीक है। उस दिन तो पेटीकोट में आ गई थी, ऊना में आई थी, उससे तो बहुत बेहतर ही है, परफेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही, एकदम लग रहे हो कि एकदम एक्ट्रेस। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा घूम घूम के दिखाओ, थोड़ा दिखाओ घूम घूम के, पीछे में दिखाओ। ये देखो फ्रेंड्स देखो, आह कमाल लग रहे। मेरी बीवी को आज पहचाना ही मुश्किल हो गया है। देखे थोड़ा फेस देखे, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। क्या अब मन तो कर रहा है कि और देखते ही रहे, देखते ही रहे। तुम पहले आओ 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 आओ, आओ। कहाँ मतलब कहाँ जाना? वो हम बता देंगे जाना। ये रूम किस किसके ओर है, कहाँ जाता है ये रूम है? तो मैं तो अभी सबको दिखा दूंगी। नहीं तुम अपना मुंह खोलो, तुम ऑफ करो। नहीं तुम खोलो ना, नहीं तुम मुंह खोलो। गाइस दिखाओ मुंह, दिखाओ। मेरा मेकअप अगर खराब हो जाएगा ना तो देख लेना कितना मेहनत से मैंने साजी हूँ, डिजाइन की हूँ। तो गाइस ये देखो, आप लोगों के भाई को देखो, मेरा मेकअप खराब अभी करने के लिए एकदम तैयार होके आ गए है। अपने हाथ पर भी कुछ नहीं धुए है, बस मुझे देखा है, देखने के बाद इधर लेके आ गए हैं। ऐसे बोलोगे? ऐसे ही बोलेंगे। तुमने ऐसे क्यों किया? पैर धोया, कुछ नहीं किया,
आज राय जी ने पैर नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, कुछ नहीं किया, पता है। मैं आते ही अगर ऐसे रूप देखेंगे तो कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा कि पैर धो के हाथ धो के मुंह धो के। और तुमने ऐसा क्यों? मेरा काजल खराब हो गया क्या? कुछ खराब नहीं होगा, मैंने से मैंने काजल इतना जल्दी क्यों खराब करोगे? थोड़ा टाइम रहने दो ना। मतलब नहीं मतलब, अरे बाबा तुम तो काजल तो मेरा खराब करने गए थे। तुम ये ऑफ करो के मना बोल, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोले, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोले, नहीं दिखा देंगे सब देंगे। हाँ साड़ी पहनने के लिए बोलते हो और मैं तो पागल हो गया हूँ ना। तुम क्या पागल हो, कहाँ पे पागल हो गए? पूरे दिमाग देखो, आप लोगों के भाई, आप लोगों के भाई अभी पागल हो गए बोल रहे हैं मुझे देख के। देखो देखो इनका गाल देखो, हाँ पूरा लाल लाल बन गए। राय जी का गाल दिखाओ तो, हाँ लाल बन गए। चलो हाथ पैर धोना पड़ेगा, ऐसे पसीना पसीना तुम हो, मैं तो घर के पसीने में हूँ ठीक है, तुम तो बाहर के पसीना हो। हाथ पैर नहीं धोए, मुँह नहीं धोए, कोई नहीं किए, जल्दी से चलो। हाँ फ्रेश हो लो, जल्दी से चलो चलो। घर में बीबी को ऐसे देखो साड़ी में देखे तो अभी बोल दे के पूरा फ्रेश होना पड़ेगा। हाँ। क्या पता है तुमको? तो क्या मैं उठ जाती हूँ? नहीं मुझे नहीं सोना बाबा, नहीं सोना नहीं। चलो तुम मेरा ब्लॉग पूरा एकदम खराब करने पे उठे हुए हो, मुझे बंद करो ना। क्या बंद करना मतलब? मैं ब्लॉग बना रही थी गाइस, देखो राय जी कुछ बात भी नहीं कर रहे। अभी तो ऑन कैमरा है इसलिए जो है मैडम जी का आदेश जो है पालन करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेश होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो मतलब क्या बताए। मैं घूम गया हूँ, मतलब मेरा दिमाग एकदम हिल गया है तुमको देख। अच्छा, हाँ। मतलब घर पे आते ही ऐसी रूप, मैंने तो कभी मतलब ये सब मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं किए थे कि कभी भी तुम ऐसे मतलब घर में आएंगे और ऐसे मतलब साड़ी वाड़ी पहन के ऐसे आओगी। ऐसे तो मेरा मतलब हरदम मैं यही सोचता हूँ कि भाई साड़ी में आओ, साड़ी में रहो पूरा दिन, लेकिन आज तुमने मतलब कमाल कर दिया है। राजी बाबला हो गए, मैं हिल गया हूँ, मैं अभी कुछ बात भी नहीं शायद कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो कहा था कि भाई फ्रेश नहीं होंगे, थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, सोए रहेंगे, खाना वाना कुछ नहीं करेंगे। राय जी मैं कितने मेहनत से इनके लिए खाना वाना बनाई हुआ ना, और इसके बाद ये हाथ पैर नहीं धोएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हॉस्पिटल से आए हैं डायरेक्ट सो जाएंगे। हाँ टाइम देते वही बोले कि थोड़ा बहुत टाइम लेते, उस टाइम नहीं छोड़ो तुम, छोड़ो ये वाला छोड़ो, चलो जाओ हाथ पैर धोना है तुमको, फ्रेश होना है ना। ठीक है तो गाइस अभी तो देखो पूरा एकदम बाहर से आए हैं, रहेंगे ऐसे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ ठीक है ठीक है। भगा रहे हो तुम? भगा रहे तो मैं उठ जा रही हूँ, टाइम अभी बाकी है। अच्छा जी चलो, तो तुम क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? क्यों गुस्सा हो जाऊंगी? क्यों गुस्सा हो सकी मतलब? किचन में भेजे इसलिए गुस्सा हो गई? और क्या, देखो फ्रेंड साड़ी में है बीबी और थोड़ा बहुत अगर किचन में आती है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे तो डेली किचन में आते, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, दिन में 3-4 बार तो आती ही है, लेकिन आज जो है साड़ी में आई है तो इसका तो डबल एक्साइटमेंट है ना। अच्छा, वो मुझे देखना था तो इसलिए अच्छा। बोले प्रिया को कि भाई थोड़ा बहुत जो है चाय भाई बनाओ, कुछ बनाओ। चाय तो मैं डेली बनाती हूँ यार, ये डेली का काम है मेरा। हाँ डेली का काम है, लेकिन आज तो थोड़ा अलग है ना, इसीलिए। क्या अलग है? अलग है मीन्स अलग है क्या? कुछ नहीं है। सो गाइस अभी तो रात के 9 बज चुके हैं और आज जो है जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे। एक तो प्रिया ने सब कुछ बना कर ही रखी है, दोपहर में सब कुछ जो उसका हो गया था, फिलहाल जो है बस गर्म करने के लिए किचन पे गई है प्रिया, ठीक है। और आज तो मतलब पूरा रात जागने का ही प्लान है क्योंकि मुझे सोना नहीं है आज, ठीक है। तो और एक बात वो है कि खाना खाने के बाद शायद एक दो रील्स भी कर सकते हैं क्योंकि प्रिया इतनी अच्छी तरह से सजी है, साड़ी वाड़ी पहनी है, तो मन हो रहा है कि थोड़ा मतलब मुझे ही मन हो रहा है कि मैं थोड़ा बहुत रील्स करूँ। अभी जाको पूछेंगे, अगर वो राज़ी हो जाते तो फिर एक दो रील्स भी बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो किचन में जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैडम किचन पे है और उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर तो करेंगे, ठीक है। तो देखते रहो सभी, तो खाना खाने की बारी। और ये देखो मैडम जी जो है प्लेट व्लेट लग, ये क्या साड़ी वाड़ी ऐसे तुमने कमर में क्या कर रही हो, पूरा डिजाइन खराब कर दिया। हाँ तो ये कमर में ऐसे बांध के रखोगी तो क्या करूँ, पूरा स्टाइल खराब हो जाएगा ना आज का। खाना देने के टाइम ऐसा नहीं करते, इसको अटक के रखते ऐसे, क्या करूँ। तुम वहाँ अटक के रखोगे तो मैं भी अटक जाऊंगा, मैं अटक गया।
आज तो अच्छा ये जो गाइस जो है प्रिया ने आज टाइम वेस्ट नहीं किया, जो है दोपहर में ही सब जो है सब्जी, ये सब्जी बोल रहे ये मच्छी का झोल बना के एकदम रेडी करके रखे, ताकि जो है कोई भी वक्त जो है ये ना हो, वेस्ट ना हो। हाँ, रोमांस का सब पूरा टाइम जो है आज देगी प्रिया मुझे, है कि नहीं? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। हाँ एकदम। फटाफट जो है अभी खाएंगे, ठीक है? हालत क्या हो रहा है पता है तुमको? क्या हो रहा है हालत? गर्मी में पसीना। अभी तो दोनों बैठ गए हैं और आज तो कुछ अलग ही है, मतलब अनुभव है मेरा। अच्छा। हाँ ऐसा लग रहा है कि नई नवली दुल्हन जो है उसके साथ खाना खाने बैठे है, शादी हुई है मेरी नई नई। अच्छा। हाँ। और तुम एकदम नई नवली दुल्हन हो। ओहो। हाँ दोनों साथ में अभी खाएंगे। हाँ ऐसा लग रहा है तो ठीक है, खा लेते हैं फिर अभी। हाँ, है ना, खाना शुरू करते हैं। वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि बस गर्मी है और इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, साड़ी पहने का तो अलग ही अलग। हाँ, अलग ही बात है, एकदम सही है। लेकिन क्या है ना कि गर्मी तो लगते है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है चलो, ठीक है। आज तो एकदम मतलब बढ़िया गया मेरा, ऑफिस के आने के बाद मेरा मूड ही जो है एकदम मतलब क्या बताए, खिल गया है। मैं तो रेडी को बस सरप्राइज देना चाहती हूं, हैरान हो गया हूं मतलब ऐसी रूप में प्रिया को देखे। बहुत दिन पहले जो है झगड़ा भी हो गया था इस बात के ऊपर, साड़ी वड़ी के ऊपर, और बहुत दिन से मैं कह भी रहा था कि पहनो पहनो, लेकिन आज जो है तुमने खाइस पूरी की है। आज तो अलग ही है, एकदम अंदाज है तुम्हारा। ठीक है गाइस, तो फिर खाना शुरू करते फिर। हाँ, हम लोग तो खाते है, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ से ही खाओ। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। দেখো তোমার জন্য আজকে মাছ ভাজা রেখেছি। হ্যাঁ তাই তো দেখছি, আজকে মানে প্রেম একেবারে কোথায় দিয়ে পড়ছে, পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ থেকে পড়েছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল সব দিক থেকে প্রেম। ও প্যার বরস রহা হ্যায় আজ পুরা, তুম ইতনি আচ্ছি মুড মে হো কি ক্যা হোতা, মুঝে বহুত আচ্ছা ফিল হো রহা হ্যায়। আর মুঝে তুমকো দেখ কে তুম খুশ হো? হ্যাঁ মে তো খুশ হুম। एकदम अलग लग रही हो आज, एकदम अलग लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि सपना देख रहे हैं, सपनों की रानी हो। इतना खुश हो रहे हो तो मुझे तो रोज साड़ी पहनना चाहिए। चाहिए तो, लेकिन तुम कहाँ पहन पाओगी? नहीं नहीं पहनेंगे पहनेंगे, इतना प्यार करोगे तो पहनेंगे। আমি আর বেশি সময় নষ্ট করিনি আজকে। कि आज का खाना मतलब फिश करी की मैंने कैसे बनाई, वैसे तो मैं रोज ही पूछती हूँ ना रई जी को, तो मैं पूछी, जवाब बिल्कुल नहीं दिए, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ प्रिया तुमने अच्छा बनाया। बोले बोला तुम? हाँ तब नहीं बोले, अच्छा ही बनाया था फ्रेंड्स। तो एक्चुअली क्या है ना, खाते खाते जो है मैं प्रिया को ही देख रहा था, मुझे अच्छा। मतलब आज जो है बातें कम और देखना ज्यादा हो गया। अच्छा, ताकते रहते थे। हाँ तुम्हारे लिए और ही तो देख रहा था, ऐसे करके देख रहे थे। ऐसे करके नहीं, तुम झूठ मूठ का बोल रहे हो, फिश करी शायद अच्छी नहीं बनी। नहीं नहीं अच्छी बनी, अच्छी बनी है। पूरा तो प्लेट साफ कैसे हो गया फिर? हाँ वैसे पूरा खाना ही खाए हैं, लेकिन बोले नहीं है। खा के जो फ्रेंड मजा आ गया, और अभी जो है फिर यहाँ पे बैठे क्योंकि पीछे से है ना एकदम ठंडा हवा दे। अभी अच्छा लगा, अभी उतना गर्मी भी आज तो वेदर भी साथ है और जो माहौल है वो भी साथ है। मैडम तो साड़ी पहने देखे हो, खुश हूँ मैं, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मेरे बाल थोड़ा ये खोल दे, क्यों रहा है जी? अच्छे से तो बांधे, पीठ पे कितना अच्छे से हवा हवा आ रही है, खोलने की क्या जरूरत है? खोल देते, कुछ नहीं होगा। अरे अच्छा लगेगा, और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, हम बोल रहे हैं। देखा ना राय जी ऐसे करते, पता है मैं जब भी बाल ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी बांधने नहीं देते मेरे राय जी, मुझे पता नहीं क्या दिखता। अभी अच्छी दिख रही हूँ? हाँ बहुत अच्छी दिख रही। तो अभी तो फिलहाल यहाँ बैठेंगे, थोड़ा बहुत जो है बातचीत करेंगे। हाँ आज तो मतलब क्या बताएं,
बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब अलग दिन तुमने तो मेरा एकदम पूरा बना दिया, मेरा मेरा शाम जो है इवनिंग बना दिया, अभी रात ही बना दोगी तुम। हाँ देखो इतना प्यार मिलते हैं तो गाइस मुझे ना लग रहा है मैं डेली ऐसे इतना सस्ती नहीं है ना। हाँ। आज साड़ी तो पहने ऊपर से सस्ती भी है। हाँ। ऐसे अभी टाइम की वजह से इतना मतलब सदाबहार जो है हरदम होता नहीं। हाँ, टाइम ऊपर से गर्मी, ऊपर से गर्मी वो भी है, लेकिन आज गर्मी है फिर भी प्रिया ने साड़ी पहना, फिर ये सब जो है कंगन वगैरह ये सब गर्मी लगते हैं मुझे मालूम है, फिर भी प्रिया ने मेरे लिए पहना तो मैचिंग मैचिंग की, देखो ड्रेस के साथ मैंने मैचिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरी रात ऐसे ही रहेंगे सोच रही हूँ मैं। हाँ ऑफ कोर्स ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें क्या खुद का इरादा था क्या? नहीं मतलब यहाँ पे बैठे रहेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, रहेंगे बात करेंगे वैसे ना, पूरा रात जगेंगे हम, सोएंगे नहीं। हाँ, एकदम नहीं सोएंगे, अच्छे से चिपक के इधर बैठ के रहेंगे और थोड़ा बहुत फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करेंगे, उसके बाद के साथ टाइम स्पेंड करना, बात करते रहेंगे फिर मिलते रहेंगे है ना। सो गाइस बहुत टाइम जो है हम लोग यहाँ पे बिताए हैं एक दूसरे के साथ, तो बात किए है, बहुत सारी बातें हुई है, खट्टा मीठा बहुत सारा बात हुए है, तो अच्छा लगा है ना। एक अलग ही आज अंदाज था तुम्हारा, अलग ही अंदाज है था और क्या, पूरा रात तो रहेगा। तो गाइस इतना टाइम जो है बैठने के बाद अभी मैडम बोले भाई का साड़ी जो है अभी खोलने का मन हो रहा है, साड़ी खोलना नहीं है फिर अभी जो ये मैं पर्दा भी दे दी। अभी जो है सोने की तैयारी कर रही है, ठीक है। देखो पर्दा दे दिए, खिड़की बिड़की सब जो है बंद हो गया है, तो इसका मतलब जो है मैडम अभी सोएगी, ठीक है। अब सोएगी या बात करेगी क्या करेगी वो सब जो है बाद में देखा जाएगा, है ना। ये साड़ी किसने पकड़ा है तुमको? ये देखो मेरे पल्लू फंस गए हैं। तुम टेंशन मत लो, साड़ी उतारने का काम मेरा है, ठीक है, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। और ऐसे काफी टाइम प्रिया जो है पहनी है ना साड़ी, बहुत बकवास कर लिया तुमने। हाँ थोड़ा बहुत जो है अभी मैं तुमको क्या लाइट ऑफ करना है जी, सीधा जा रही है लाइट के पास, देखो हो गया। आज तो एक्साइटमेंट मतलब मुझसे ज्यादा प्रिया का ही ज्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत टाइम पहनी है, कंटिन्यू किया है साड़ी को, इतना टाइम झेलने के लिए थैंक यू। हाँ और ऐसे भी हाँ होता है गर्मी में दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी प्रिया ने पहना मेरे लिए यही बड़ी बात है, ठीक है। तो गाइस अभी तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, अभी तो सीधा हम लोग सो जाएंगे, सोने की तैयारी करेंगे और मैं मेरे राय जी को लेके सो जाएंगे, मतलब ये नहीं कि हमें नींद आ जाएंगे आज तो इनको सोने ही नहीं देंगे वो सब हम। इतना डिटेल्स में तुमको बताने का दरकार नहीं है, ठीक है। देखो एक्साइटमेंट लेवल देखो, अरे बाप रे बाप रे, टाइम जो है मैंने वेट किया है पूरा दिन जो है आज मेरे लिए वेट किया कि कब जो है ये अपना जो अदाए अपना ये अंदाज जो है दिखा पाए, ठीक है। तो गाइस ठीक है आज का ब्लॉग फिर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि और कंटिन्यू तो बाकी का नहीं दिखा पाएंगे ना, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है। तब तक गाइस अब सब लोग अच्छे से रहो, और हाँ ब्लॉग कैसे लगे हैं कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है करो, ठीक है। चलो जी आज का ब्लॉग खत्म, बाय बाय।